कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों के कर्ज करेंगे माफ, राहुल गांधी ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को दोहराया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के साकोली में चुनावी रैली में राहुल ने कहा कि लोग बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं, स्थिति ऐसी है कि हजारों कमाने वाले करोड़ों कमाने वाले लोग एक समान जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को दोहराया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के साकोली में चुनावी रैली में राहुल ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है, स्थिति ऐसी है कि हजारों कमाने वाले और करोड़ों कमाने वाले लोग एक साथ जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं। पीएम पर बोला हमला, राहुल ने जातिगत जनगणना कराने और अग्निपथ योजना खत्म करने के वादे को भी दोहराया। अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों को सेना में 4 वर्ष के लिए भर्ती किया जाता है। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा कि खुद को ओबीसी कहने वाले प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने 10 साल के शासन में इस वर्ग के लिए क्या किया। केंद्र सरकार पर लगाए ये आरोप, उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है जबकि आम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। राहुल ने आरोप लगाया सिर्फ 22 लोगों के पास देश की 50% आबादी के बराबर संपत्ति है, लेकिन मोदी केवल धर्म के बारे में बात करते रहते हैं और जातियों और समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करते हैं। कोरोना महामारी को लेकर साधा निशाना, उन्होंने दावा किया कि मोदी के 10 साल के शासन के दौरान गौतम अडानी के स्वामित्व वाली कंपनियों शेयर की कीमतें आसमान छू गई हैं। गौतम अडानी के पास अब हवाई अड्डों, बंदरगाहों से लेकर सड़कों, पुलों, कोयला खदानों और बिजली संयंत्रों तक हर क्षेत्र में हिस्सेदारी है। राहुल ने कहा कि जब लोग कोरोना महामारी के दौरान चिकित्सा सहायता मांग रहे तो मोदी उनसे थालियां बजाने और मोबाइल फोन की टॉर्च जलाने के लिए कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो भी शिक्षित हैं, चाहे उनके पास डिग्री हो डिप्लोमा, हम सबको अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे। एक साल के लिए प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक सेक्टर यूनिट में, सरकारी ऑफिसेज में बेरोजगार युवाओं को एक साल की नौकरी मिलेगी, उसमें उनकी ट्रेनिंग होगी। एक साल के लिए उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख दिया जाए, जो बेहतर काम किए रहेंगे उन्हें संस्थानों में पक्की नौकरी मिलेगी। अगर पीएम मोदी अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस भी गरीबों को पैसा दे सकती है। चुनाव जीतने के बाद हम महालक्ष्मी योजना लाएंगे, जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं सबकी लिस्ट बनेगी, हर परिवार से हम एक महिला को चुनेंगे। केंद्र में हमारी सरकार बनने पर महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 8,500 रुपए सरकार डालेगी, इस तरह सालाना सभी महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए डाले जाएंगे, मतलब एक झटके में हम हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। इससे करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। सरकारी नौकरी और महिलाओं को 50% आरक्षण और जो महिला आंगनवाड़ी और आशा में काम करती हैं उनके वेज को दोगुना करेंगे। आज उनको जितना मिलता है चुनाव के बाद डबल मिलेगा। गंगा माता की जय से अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद हम जाति जनगणना कराएंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।